प्रिय दोस्त, गुड आफ्टरनून। अभी चेयरमैन सर का बीपीसी का इंटरव्यू देख रहे थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में दोस्त साथ शिक्षक की बहाली की बात और विज्ञापन की बात है, उन्होंने विज्ञापन की बात कही है। कितना सीट किसमें है उन्होंने पूर्णतः विवरण दिया है, और उन्होंने विवरण दिया है कि प्राथमिक विद्यालय में उनके पास जो रिक्तियाँ आई है 79,943 है, माध्यमिक में है 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602। कुल रिक्तियाँ इनके पास 170,461 है। इन्होंने इस ढंग से उल्लेखित किया है। दूसरी बात उल्लेखित किया है कि लड़कों के मन में संशय है। पत्रकार ने जब इनसे पूछा क्या जो क्वालिफाई है इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग, तो चेयरमैन सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, 25 अंक का जो इंग्लिश है और 75 अंक का आपको भाषा में है, बंगला है, उर्दू है और हिंदी है, टोटल हुआ 100 पे 30% लाना है। फिर उन्हें प्रश्न का नीचे के कहा कि ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि हिंदी का क्वेश्चन आसान देंगे। हिंदी के क्वेश्चन, अगर हिंदी का क्वेश्चन आसान देंगे तो बच्चे हिंदी बनाकर निकल जाएंगे और इंग्लिश बनाएंगे ही नहीं। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि इंग्लिश में 0 अंक आवे नहीं, हिंदी को भी टफ करेंगे। उनका संकेत स्पष्ट रूप में रहा, जो क्वालिफाई पेपर है उसमें ठीक हम इंग्लिश को आसान कर सकते हैं लेकिन हिंदी को आसान कर नहीं सकते, ऐसा उनका कहना था। दूसरा उन्होंने कहा था कि जीके और जीएस पर जो जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, हालांकि जो सिविल सर्विस की परीक्षा ली जाती है उस स्टैंडर्ड का तो नहीं रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ये नहीं कि लो स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, यानी स्टैंडर्ड ठीक रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, उत्तर माध्यमिक में जिनका जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का, उस सब्जेक्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, उनसे ज्ञान की बात पूछी जाएगी, यानी डेप्थ नॉलेज उसमें उनको रखना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। या इतिहास में जो हाई स्कूल के लिए चाहे इतिहास सोशल साइंस रखेंगे या साइंस रखेंगे, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ रहेगा। उन्होंने इस बात को संकेत दिया, यानी मोटा मोटी उन्होंने संकेत दिया कि विज्ञप्ति मोटा मोटी संकेत दिया कि क्वेश्चन आसान मत समझे। सिर्फ इंग्लिश को उन्होंने आसान का संकेत दिया, लेकिन किसी भी पेपर को आसान का संकेत नहीं दिया, आपको डेप्थ रूप से पढ़ना है। जस्ट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्हें विज्ञापन की बात कही, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी विज्ञापन निकल जाएगी, विज्ञापन निकल जाएगी। विज्ञापन उन्होंने यह भी बात कहा कि जो छूट भी जाएगी, एज रिलैक्सेशन है जो 2012 में स्टेट है चाहे उससे है, उनको छूट भी दी जाएगी और छूट का भी उसमें उल्लेखित होगा जब विज्ञापन निकलेगा। तो पूरे विस्तार से जब पत्रकार उनसे पूछा तो पूरे विस्तार से उन्हें हर चीज़ को पहलू को अच्छे ढंग से रखा और हर पहलू को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षक का विज्ञापन 1 से 2 दिन में आ जाएगा। उस विज्ञापन को आप निश्चित रूप से देखेंगे। फिर कहते हैं पाथ फाइंडर बाय विजय सर की ओर से आपका क्लास आज से सिलेबस के अनुसार स्टार्ट होगा। आप सिलेबस के अनुसार निश्चित रूप से क्लास का स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस तो प्रोवाइड किया गया है, असली जिन्होंने जिस ढंग से उन्हें इंटरव्यू दिया है अपना किस ढंग से करेंगे, से क्वालिफाई को भी देखना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका कितनों भी जीके और जीएस पढ़ लेंगे, आपका कुछ नहीं होता। क्वालिफाई नेचर को देखना निहायत जरूरी है, ये क्वालिफाई पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। और विज्ञापन 1 से 2 दिन में देखने को मिला, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। फिर मिलते हैं, कोई सूचना आती है शिक्षक के संबंध में तो फिर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।